पटेल साहब जो है वो तो सभी को अपने हाथों से खाना परोसते हुए दिखाई देगी और बोलेगी कि सभी जी खाइए ना, कैसा लग रही है मिसल पाव आप खा के बोलिए। सभी जो है वो तो सोच में पड़ जाएगी और वो ईशान की बातें याद आने लगेगी कि ईशान पटेल साहब को बोलते हुए दिखाई दिया था कि आप हर टाइम सभी के पीछे पीछे क्यों आ जाती है, सभी जहाँ जाती है आप पहुँच जाते हैं उसके पास। तो ये सब जो है वो सभी सोच में पड़ जाती है, सभी सोचने लगता है ईशान की पुरानी बातें। और दूसरी तरफ देखा जाएगा कि ईशान और रिवा की शादी के लिए डिज़ाइनर के पास सब लोग चली गई है, यानी कि अक्का और घर की बाकी के लोग भी डिज़ाइनर के पास पहुंच गई है और कलेक्शन देखने लगे। और तभी ईशान रिवा की हाथ पकड़ के बोलेगी कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो रिवा जो है बोलेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब लोग देख रही है, तो तुम कहना क्या चाहती हो। तो ईशान बोलेगी कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तब रिवा बोलेगी कि सभी के बारे में तुम क्यों सभी के बारे में सोचती रहती हो, तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, तुम अभी सभी के बारे में मत सोचो। ये सब बोल के दोनों में बातचीतें होगी। तो दूसरी तरफ जहां सभी देखेगी कि कोई प्लांट्स लेकर आया है सभी के लिए, तो सभी बोलेगी कि मैंने तो नहीं ऑर्डर किया था, पर जो कुरियर बॉय है वो बोलेगी कि हाँ मैम, पर मैम आपके लिए ही ये प्लांट्स आया है। तब सभी जो है उसको याद आएगी कि सभी प्लांट पसंद करते हैं, ये बातें ईशान को पता है। तो वही मन ही मन सोचकर सभी बहुत ही खुश नज़र आते हुए दिखाई देगा, यानी कि ईशान की बातें सोचते हुए दिखाई देगा। तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि आखिर ईशान रिवा को कब बताने वाली है कि वो इससे प्यार करती है, और सभी को और सभी क्या समझ पाएगी ईशान की प्यार को। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।